निर्गमन की किताब 14 अध्याय। निर्गमन की किताब में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा से क्या किया था, पहाड़ पे क्या करने के लिए आया था, बोलो बातचीत करने के लिए आया था। बोलो आज भी आपसे बातचीत करने के लिए आया है। आमीन। विश्वास करते हो कि नहीं? विश्वास करते हो तो उसकी महिमा को आप देखोगे। आमीन। आज भी उनसे बातचीत करने के लिए आया है वचन के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर क्या करता है, बातचीत करता है कि तुम्हें क्या करना है, फिरौन के पास जाना है। क्या करना है, कहानी को ध्यान देना। ये जो कहानी है, फिरौन, फिरौन एक राजा है, इसराइल एक देश है, इसराइल के लोग गुलामी में हैं और मिस्र देश में गुलामी में है। कहां पे है, एक देश दूसरे देश के अधीनता में है। किसमें है, गुलामी में है। और एक ऐसी गुलामी है जो उनको मजदूरी नहीं दी जाती, उनको कोड़े मारकर उनसे काम कराया जाता है और उनका परिश्रम, उनका जो भी कुछ कर रहे हैं सब व्यर्थ है। अच्छा, अभी कितने लोग आजाद हैं अपने देश में? आप लोग आजाद हैं कि नहीं? आप लोग को मजदूरी मिलती कि नहीं? अपनी मर्जी से खाना खाते कि नहीं? हाँ, आज अंडा मम्मी खाओ, अंडा लेकर आते हैं। आज पालक की सब्जी खाएंगे, पालक लेकर आते हैं, है ना? जो इच्छा करता तो वो आप खाते हैं, जो कपड़ा रंग आपका दिल करता वो रंग का आप कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या है, स्वतंत्र हैं। पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर एक ऐसा कानून था कि आप सिर्फ तन को ढांक सकते हैं बस, जैसे आदम बाबा के था, न कपड़ा न लत्ता, तन पे सिर्फ पत्ता, है ना? वैसे ही ये इसराइलियों के पास भी क्या था, सिर्फ तन ढांक सकते थे। जैसे अभी हम पैंट शर्ट पहने हैं, आप अच्छा से साड़ी या सूट पहने हैं, इस प्रकार से नहीं था। और सिर्फ तन ढांक सकते हैं बस, इस प्रकार से बस वैसे लपेट लिए और सारा दिन उनसे काम कराया जाता था, कोड़े मारा जाता था उनको। और उनको वो भी नहीं कि खाना मिलता था, वो भी अनाज वैसे मिलता था, वो बनाते खाते थे अपने से, है ना? बड़ा दुर्दशा में थे। परमेश्वर देखकर बड़ा दुखी हुआ। मूसा एक झाड़ी में उतरा और मूसा से बातचीत किया कि जाओ फिरौन के पास, और क्या करना, फिरौन के पास जाके उन लोगों से बोलना, मूसा परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे भेजा है इस सारी लोगों को क्या करने के लिए, आजाद करने के लिए। आमीन। ये कहानी कई बार मैं बताया हूं, मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। उसके बाद ये किसी तरह से तैयार होता है, हम आगे आएंगे क्योंकि हम जहां से बताना चाह रहे हैं 14 अध्याय से। तो ये सब कुछ करता है, करने के बाद परमेश्वर का दास जब मिस्र में जाता है, वहां पर सारा कुछ करता है। तो उसने बोला, मूसा बोला कि मैं मिस्र में जाऊंगा तो वो लोग मुझे कैसे जानेंगे कि आपकी ओर से मैं आया हूं? वो लोग मेरा आदर नहीं करेंगे, मेरे लोग मुझे नहीं समझेंगे, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, मेरा आदर नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, है ना? और फिरौन, फिरौन तो और गुस्सेल है, वो तो भाई राजा है, वो तो मुझे मरवा भी सकता है। पर परमेश्वर ने क्या बोला, एक लाठी दिया, बोला इस लाठी को क्या करना, तुम फिरौन के सामने डाल देना, क्या हो जाएगा? एक लाठी लिया, वो जो मूसा लाठी लिया था, लाठी क्या कर दिया उसने, डाल दिया, क्या बन गया? फिरौन क्या करने लगा, हंसने लगा, अरे ये जादूगर आ गया क्या? क्या बोला, जादूगर आ गया, मूसा तू जादू सीख के आ गया, यहां पर लाठी को सांप बना रहा है, इधर जल्दी आओ। फिरौन के भी लोग आए, वो भी लाठी डाले, वो भी सांप बन गया। क्या बन गया? पर ध्यान रखना, जो असली है नकली को निगल जाता है। बाइबल बताती है कि मूसा का सांप, जो वो तंत्र मंत्र वालों का जो सांप था, उसको निगल लिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कभी भी असली के सामने नकली नहीं टिक सकता, टिकेगा ही नहीं, वो गिर जाएगा। उसने बोला, हंसा ठट्ठा किया। फिरौन ने कहा, बताओ तू जादू से क्या है, लाठी को सांप बना रहा है, देख मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, ये लोग भी सांप बना सकते। पर जैसे ही उसके सांप लड़ने लगे और मूसा का जो सांप था
जो लाठी थी उसने उनके सांपों को निगल लिया और जैसे उसने पूंछ पकड़ा फिर लाठी बन गई। हालेलुया, उनकी लाठी खत्म गायब। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने अपने बच्चों को पूंछ नहीं सर ठहराया है, नीचे नहीं ऊपर रखा है, उनके देश में जाकर उनके नगर में जाकर उनको ललकार कर उनके सामने जयवंत का घोषणा किया और कहा कि मेरा परमेश्वर जीवित है, उसने मुझे भेजा है। तेरे हजार होंगे पर मेरा परमेश्वर मुझे अकेला तेरे सामने पहाड़ की तरह खड़ा करने के लिए भेजा है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आप अपने परमेश्वर को जब आप जान जाएंगे तब आप अपना युद्ध लड़ना सीख जाएंगे। आपको जानना है कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है, आपको जानना है कितना प्रभावशाली है, आपको जानना है कि आपकी स्थिति, आपके आपकी स्थिति में, आपके हालात में कब कैसे आपको निकाल सकता है, ये आपको जानना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि सारे इसराइलियों को मूसा ने सबको मिस्र देश से आजाद करवाया और आजाद कराने के बाद वो लाल समुद्र के पास पहुंचता है। कहां पहुंचता है? बाइबल बताती जब लाल समुद्र के पास पहुंचता है तब तक मिस्री लोग क्या किए, फिर ये लोग का फिरौन मतलब मिस्री क्या कर दे, इसराइली लोग को फिर पीछा कर लिए। मूसा ने आजाद तो करा लिया पर फिर पीछा किए और कहां आगे क्या है, समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है। अब क्या हुआ, अभी तक तो हम लोग वहां पर क्या थे, गुलामी में थे, कम से कम रोटी मिल रही थी। अब क्या है, अभी इनके सामने क्या दिखाई दे रहा है, बोलो, मौत दिखाई दे रही है। समुद्र में जाएगा तो क्या होगा, पीछे जाएगा तो क्या होगा, फिर उनका सेना मार देगी। क्या दिखाई दे रहा है, मौत दिखाई दे रही है। बाप रे, ये क्या हो रहा है, इससे बढ़िया तो हम गुलामी में सही थे, है ना। ऐसे कह के लोग कुड़कुड़ाने भी लगे, कहने भी लगे, तो मूसा वहां पर दुहाई देता है और उसके 13 पद में मूसा क्या मतलब खड़ा होकर क्या बोलता है, मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने अपने इसराइलियों से लोगों से खड़े होकर चिल्लाकर कहा, डरो मत तुम सब, खड़े हमारे परमेश्वर जीवित पिता का उद्धार देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, जो हमारा जीवित परमेश्वर आपके लिए आज करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देते हो, क्योंकि जिन दुखों को, जिन परेशानियों को, जिस स्थितियों को, जिस हालात को तुम आज तक अपने जीवन में देखते आए हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक ध्यान रखना, एक प्रभावशाली शब्द तभी बोलेगा जब उसके सामने कुछ पावर दिखाई देती है। मूसा ऐसे नहीं बोल रहा था जाके, परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। मूसा तो बोल, मैं जो बोलेगा वो हो जाएगा, इस समुद्र को मैं चीर सकता हूं और चीर कर रास्ता दिखाऊंगा इसमें से। हालेलुया, और मूसा इसराइलियों से अपने लोगों से बोला कि जो तुम देख रहे हो फिरौन के सेना को, ये तुम्हें मारते थे, डांटते थे, पीटते थे, खाना नहीं देते थे, पर ध्यान रखना आज के बाद इनका तुम चेहरा नहीं देखोगे। हालेलुया, मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर को जानोगे, जब परमेश्वर के लिए अपने आप को देगो ना, जो स्थितियां, जो हालात आप देख रहे हो, जो मायूसी देख रहे हो, जो बीमारी देख रहे हो, जो गरीबी देख रहे हो, ऐसे आपके जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी वो हालात आपके जीवन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो परमेश्वर है ना, वो प्रभावशाली परमेश्वर है। आमीन। मूसा कहता है देखो अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार, और जैसे ही परमेश्वर उसको आज्ञा देता है क्या बोलता आगे, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हाँ, इसलिए तुम चुपचाप रहो, हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, जी इसराइलियों को आज्ञा दे, किसको आज्ञा दे, जितने भी तेरे लोग हैं तू सबको क्या कर, आज्ञा दे, यहां से क्या करें, पूछ का मतलब समझ रहे हैं, कुछ कौन बोल रहे हैं, हाँ, यहां से कुछ करो, मतलब यहां से निकलो। अभी बोलेगा कि निकलो तो क्या बोलेगा, वो लोग क्या बोलेगा, पागल है क्या, तू कह रहा निकलो, कहां निकले, पीछे सेना आ रही, आगे समुद्र है,
क्योंकि क्या कह रहा है, यहां से कूच करो, यहां से कैसे निकले हम, समुद्र में जाके मरे क्या? हालेलुया। ये बात मूसा जो विश्वास के साथ बोल रहा था, ध्यान रखना हमारा आपका जो परमेश्वर है ना, जो नहीं दिखता वो करता है। ये लाइट है ना, ये लाइट हम आप देखकर बनाएंगे, ये पुलपेट है ये देखकर बनेगा, पर जो हमारा आपका जो परमेश्वर है जो नहीं दिखता वो करता है। हालेलुया। उसी का संतान है परमेश्वर, उसी का मूसा, उसी के संतान है मूसा। वही विश्वास के साथ क्या बोल रहा है, तुम कूच करो, तुम चलो। कूच करने का मतलब है कि अभी इस स्थान को छोड़ो, अब अगले स्थान पे हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर क्या बोला, तुम कूच करो, आगे क्या होता है, और तू अपनी लाठी उठाकर, और अपनी तू लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर खड़ा। ध्यान रखना, एक परमेश्वर का दास के बारे में जो परमेश्वर का दास के मतलब परमेश्वर के दास को जो बोला जा रहा है, ध्यान रखना। मैंने इस चीज को जब मैं वचन को पढ़ता हूँ कई बार तो सोचता हूँ कि प्रभु ऐसा क्यों है। अभी क्या नाम है, कई लोग कलेशिया में अगुए को बहुत भला बुरा बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, कमी कमी खमी बहुत सारी चीजें निकालते हैं, घटी निकालते हैं, कमी निकालते हैं, खूबी निकालते हैं। पर ध्यान रखना, ये आपका काम नहीं, हमारा काम नहीं है, परमेश्वरी ही है जिसको नियुक्त करता है। मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया, मूसा से परमेश्वर ने बातचीत किया। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखा है जो कि हम परमेश्वर की ओर से उन चीजों को हम पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाए हैं, बहुत सारे लोग गुड़गुड़ाए हैं, परंतु परमेश्वर ने उसी को जिसको लोग तुच्छ समझ रहे थे, जिसके ऊपर लोग कुड़कुड़ा रहे थे, उसी को परमेश्वर ने क्या बोला, तू समुद्र में की ओर क्या कर, अपने हाथ को बढ़ा, अपनी लाठी को बढ़ा। और जैसे ही समुद्र की ओर लाठी बढ़ाता है, बाइबल बताती है, आप मूवी में देखना, पिक्चर में देखना, और क्या नाम है जो बाइबल में लिखा हुआ है, ये साधारण चीज नहीं है, ये असाधारण है, परमेश्वर का एक एक बात सत्य है। बाइबल बताती है कि जैसे ही लाठी मूसा बढ़ाता है समुद्र की ओर, समुद्र में से चीरता हुआ रास्ता निकल जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपका परमेश्वर आपके दुखों में से, आपकी समस्याओं में से आपको रास्ता निकालेगा, आपकी स्थितियों में, आपसे हालात से जहां से आप थक चुके हो, हार चुके, कुछ नहीं हो सकता, वहां से वो रास्ता निकाल कर आपको लेकर आएगा। जब आप निराश हो चुके, कुछ भी नहीं हो सकता है, वहां से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ, पढ़िए थोड़ा सा आगे। और तो अपनी लाठियों की उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हाँ, और वह दो बार हो जाएगा, हाँ, तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल पर चले जाएंगे जी। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, क्या समझ पाए आप? परमेश्वर कह रहा है कि तू समुद्र की ओर अपने हाथ को बढ़ा, समुद्र दो भाग होगा, बीच से रास्ता निकलेगा, और तुम सब इस रास्ते से पार होना, और मैं उनके इतना मन को कठोर करूंगा कि वो तेरा पीछा करते करते समुद्र के बीच में घुस जाएंगे, और जैसे वो बीच में घुसेंगे मैं समुद्र को समान कर दूं, सारे दुश्मन वहीं पर फिनिश। क्योंकि मूसा ने क्या बोला, आज के बाद इन दुश्मनों का कभी मुंह नहीं देखोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपका हमारा जो परमेश्वर है इस बात को हमको चैलेंज देता, बताता है, यहाँ पर सिखाता है कि जब हम उन बातों का पालन करते हैं तब हमारे जीवन में उसकी आशीष आती है। मूसा जो जो बात परमेश्वर बोल रहा है एक एक बात का आज्ञा का पालन कर रहा है। आज भी परमेश्वर हमको अपने वचन से क्या करता है, हमें बहुत सारी चीज सिखाता है, बताता है, हमको क्या करना है उसको अपने जीवन में धारण करना है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब इसराइलियों को मिस्र से आजाद कराया गया, लाल समुद्र पार कराया गया, उसके बाद आपको पता है कितने जगह उन्होंने मतलब वो ठिकाना लिया था, कनान देश पहुंचते पहुंचते कितने जगह वो लोग मतलब डेरा डाला था, जहां एक चार स्थान है जहां पर अद्भुत काम है। सबसे पहला स्थान हम देखेंगे 15 अध्याय उसका 22 पद में,
तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, हाँ, और वह शूर नाम जंगल में आए जी, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। क्या ना मिला? 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। फिर मारा नामक एक स्थान पर कहां पहुंच गए? एक मारा नामक एक स्थान है, वहां पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था। पानी मिला भी तो कैसा मिला? अगर खारा पानी मिलेगा तो क्या करोगे आप लोग? आरो लगाओगे? आरो लगा हुआ ना अपने पास? ध्यान रखना, उस जमाने में आरो बना ही नहीं था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा लिखा हुआ है कि 3 दिन सफर करने के बाद मारा नामक एक स्थान मिला, और वहां पर उन्होंने डेरा खड़ा किया, और डेरा खड़ा करने के बाद देखा कि पानी कैसा है? खारा है। पहला स्थान कौन सा है और वहां पर कैसा पानी है? हालेलुया। आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसी स्थिति में छोड़ देगा वो, ऐसे हालात में छोड़ देगा? अच्छा, आप जैसे आए हो ऐसे ही रहोगे? जिस बीमारी में हो उसी में रहोगे? जिस घर में रह रहे हो उसी में रहोगे आप? फिर कहां जाओगे? बोलो, उससे बढ़िया घर में जाऊंगा, बेहतर घर में जाएंगे। आमीन। परमेश्वर हमें बेहतर लेके जाएगा। यहाँ पर हमें, मैं आपको उस चीज की उस दिशा की ओर लेके जाना चाहता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो मारा स्थान है वहां पर ले तो गया, वहां पर पानी की सुविधा नहीं है। पानी कैसा है? खारा है। पर ध्यान रखना, आपका परमेश्वर वहां पर सारी सुविधाएं आपको दिलाता है। कैसा दिलाता है? थोड़ा सा पढ़िएगा। उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हाँ, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। क्या करने लगे? कैसे करते बकबक? हम क्या पिए? कई बार आप लोग, कितने लोग मेरे ऊपर कई बार कुड़कुड़ाए हो? कुड़कुड़ाते कि नहीं? आज लोग अच्छे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मूसा के ऊपर क्या कर रहे थे वो लोग? क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? यार, इससे बढ़िया तो मिस्र में थे हम लोग, वहां पर बेशक कम से कम क्या बोलते उसको, मिट्टी सान रहे थे, कोड़े खा रहे थे, कम से कम भोजन, मतलब भोजन मिल रहा था और पानी मिल रहा था। यहां तो हम प्यासे मर जाएंगे, है ना? पर ये भूल गए कि जिस परमेश्वर ने फिरौन राजा कठोर के हृदय से, उसे उसके जाल से छुड़ाया, उसके हाथों से छुड़ाया, वो परमेश्वर यहां पर भी मेरे लिए कुछ अद्भुत कर सकता है। अभी तक अपने परमेश्वर को ये नहीं समझ पाए, परमेश्वर के साथ ये रिश्ता नहीं बना पाए, परंतु जिसके साथ रिश्ता है उसी से वो तोड़ना चाह रहे हैं। नहीं समझ पाए ना? मैं फिर समझाता हूं। जिस राजा, इतना कठोर राजा है, उस राजा से कौन मल को कराया आजाद? मूसा कराया ना। मूसा के किसके साथ संबंध है? और जब वो मूसा ने उस एक गुलामी से तुम्हें आजाद कराया, समुद्र से पार कराया, अब अभी जिसके साथ परमेश्वर का संबंध है उसी से क्या कर रहे हैं ये लोग? नफरत कर रहे हैं, उसी से ये रिश्ता तोड़ रहे हैं, उसी के ऊपर ये कुड़कुड़ा रहे हैं, उसी को ये भला बुरा बोल रहे हैं। अरे भाई, आपको झुंड बनाना चाहिए, कहना चाहिए, आइए हम अपने उस परमेश्वर की आराधना करें, हम उस परमेश्वर की बड़ाई करें जिसने लाल समुद्र को चीर कर पार कर दिया, जिस परमेश्वर ने फिरौन राजा को हरा कर हमें आजाद कराया, आइए हम उसकी आराधना करें, वो पानी में भी आशीष देगा। पर वो लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। भीड़ की आदत है कुड़कुड़ाने की, ध्यान रखना। कमी निकालने की आदत है, टांग खींचने की आदत है। हालेलुया, क्या कर रहे हैं ये लोग? कुड़कुड़ा रहे हैं। पर ध्यान रखना, आप कितना भी कुड़कुड़ाओ, जो अगुआ है वो कुड़कुड़ाता नहीं, वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु इसका क्या चाहिए हमें? समाधान चाहिए। अगुआ क्या किया, क्या किया आगे पढ़िए, थोड़ा से वचन से पढ़िए। तब मूसा ने परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठा और दुहाई देने लगा, परमेश्वर आप दया कर, कृपा कर। और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया। परमेश्वर ने उसे एक पौधा बताया जिसे जब उसने पानी में डाला, उसने एक एक पेड़ बताया, और उस पेड़ को ले और उस जो जो पानी वहां पर जो सोता है उस सोते में पेड़ को ले जाकर तू डाल, और जैसे तू डालेगा वो पानी क्या हो जाएगा?
तो पानी मीठा हो गया, मीठा हो गया। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अरे पता है बहुत सारे लोग, हम बहुत सारे लोग प्रभु में आकर फिर जाते हैं, लौट जाते हैं, क्या कहते हैं इससे बढ़िया तो हमारा वही जीवन सही रहा। हाँ, थोड़ा मुर्गा चढ़ा देते रहे, बुकरा चढ़ा देते रहे, है ना, दारू चढ़ा देते ठीक रहो जाते रहे, है ना। हाँ? नहीं नहीं आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने जा रहा हूं। कितने लोग प्रभु में आने के बाद फिर लौट जाते हैं, क्या कहते हैं मेरा जीवन वही सही था, कम से कम उसमें बीड़ी तो पीते थे यार, और थोड़ा अगर दिक्कत होती थी पेट और पिरा रहा था तो तपा देते रहे, गोटा भो मार लेते रहे, अब वो भी यहां मना कर दिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें, वो इतना होने के बावजूद भी वो मिस्र का ही बखान कर रहे थे कि मिस्र में ही अच्छा था, गुलामी में ही अच्छा था। मेरे प्रिय, शैतान हमेशा आपको गुलामी में बना के रखना चाहता है, पर परमेश्वर आपके हर एक मुश्किल में समाधान निकालना जानता है, आपके हर एक स्थिति में आपके लिए रास्ता निकालना जानता है। ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं, मेरी भी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होता है, जब मैं देखता हूं कि अब क्या होगा, मैं कुछ नहीं करता, मैं आंख बंद करता हूं। मैंने कहा प्रभु अभी से आप देखना है, आंख बंद कर प्रार्थना करके सो जाता हूं। सुबह उठता हूं ना तो अंदर से एक आनंद महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया, मेरा वो जो समस्या थी उसका समाधान हो गया, क्योंकि मेरा समाधान करने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन, ये हमारा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यहां पर हम देख पाते हैं कि ये लोगों ने किस प्रकार से कितना मतलब कुड़कुड़ाना जलना किया, पर ध्यान रखना परमेश्वर इनको यहां पर छोड़ा नहीं। आगे आगे हम थोड़ा 23 पद को पढ़ते हैं, तो मुल्क 27 पद को, तब एलीम को आए, 26 को पढ़ दिए, 26 को पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। वो आपका कौन है? बोलो चंगा करने, आप अपने पड़ोसी बोलो वो चंगा करने वाला है, बोलो वो समाधान करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आमीन। वो समाधान करने वाला है। वो क्या कह रहा है? जितने भी आज्ञाएं मैंने दी है अगर इसको तुम तन मन से ध्यान से सुनोगे मानोगे तो क्या करूंगा, जितने भी रोग बीमारी समस्याएं खाज खजली जो भी भेजा हो मिस्र में वो तुम्हारे पास, और अगर नहीं मानोगे तो खजवा दे फिरोगे ऐसे। हालेलुया। अभी कितने लोग को देखता हूं ऐसे खजवाते शिष्य करते रहते बनरों की तरह, क्यों पता है? वो आज्ञा नहीं मान रहे। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी अभी आप लोग मानेंगे ना सब, बोलो हमारे ऊपर रोग नहीं आ सकता, बीमारी नहीं आ सकता, हमारे ऊपर कोई भी बीमारी समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग बहुत बाइबल का आदर करते हैं। बोलो बोलो, बहुत आदर करते हैं, बहुत अधीनता में रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। आमीन। आप लोग हंस क्यों रहे हो? इसका मतलब बहुत ज्यादा मान रहे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा 27 पद को पढ़े। तब वे एलीम को आए, तब वो कहां पर आए? अभी कहां पर थे? वो मारा स्थान पे थे, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कहां पर आए? एलीम पे आए। और जहां पानी के 1200 थे। ओ कितना कितना वहां पर तो यार लाइन लगा के चुल्लू में पीना पड़ता था, यहां पर नहाना धोना और कपड़ा भी साफ करने का मिल रहा है। एक नहीं कितना सोते हैं? 12 सोते हैं। परमेश्वर कहता है थोड़े में विश्वास रहोगे तो बहुतों में विश्वास योग रहा। आमीन। क्या लिखा हुआ फिर से पढ़िए। तब एलीम को आए, तब वो एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते हाँ और 70 खजूर के पेड़ थे हाँ, और वहां उन्होंने जल के पास गेंदा खड़े किए।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अभी अभी वहां पर क्या हो रहा था, पानी का दिक्कत थी। जो पानी था वो कैसा था, खारा था, फिर भी परमेश्वर उनके लिए रास्ता दिखाया। पर परमेश्वर छोड़ा नहीं, बोला मेरे बच्चों मैं तुम्हें छोटी मोटी नहीं, मैं बड़ी आशीषों के पास लेके जाऊंगा। बाइबल का परमेश्वर बताता कि उनको कहां ले गया, एक ऐसे स्थान पे ले गया जहां पर 12 सोते थे। अभी यहां पर ये लोग क्या करेगा, अच्छा एक बार थोड़ा पानी रहता है तो इंसान क्या करता है, कई बार हमारे भी घर में पानी नहीं आता ना, तो क्या करते हैं, छत पे जाते हैं, बढ़िया से इसे बालवम पानी नहीं लगा लेते हैं, तेल और लगा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, कपड़ा नया पहन लेते हैं, चले जाते हैं, प्रचार भी करने चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता कि मैं नहाया कि नहीं नहाया हूं। तीन दिन पता नहीं चलता, तीन दिन से नहाया ही नहीं है, है ना। ऐसा यहां पर हुआ होगा ना, तीन चार दिन हफ्ता दिन नहाए नहीं होंगे, कपड़े ही नहीं साफ किए, क्योंकि पानी नहीं है भाई, समझता है ना। अभी यहां पर कैसा है, 12 सोते आगे तो क्या होगा, नहा धोवा पखा राखो कूदा हुई में आराम से, कथरी कंबल सब धो हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी परमेश्वर यहां पर क्या बताना चाह रहा है, आपको आपको कैसे आशीष देना चाहता है, कैसे देना चाहता है, हमेशा अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम आशीष को देना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, इन्होंने पता है जहां भी गए हैं यहां पर ये लोग धन्यवाद दिया, क्या लिखा हुआ है धन्यवाद, हाँ जहां कमी है वहां कुड़कुड़ाना शुरू कर देगा, जहां कमी है वही आंख ले लोना शुरू कर देगा, देख तू कहां लेकर आया हमें मरने के लिए, बता यहां पर कैसे हम रहेंगे, है ना। और जहां सब कुछ है वहां पर ये नहीं बोले कि आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की इबादत करें, उसका उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, कहीं नहीं। पर जहां कमी है वहां पर चिल्लाना, हुल्लड़ मचाना, चुंगली करना, और हम देख सकते हैं कि मूसा को भला बुरा बोलना, है ना, बहुत ऐसा सताव करना। पर मेरे प्रिय, फिर आगे हम देखते हैं उसका पहला पद, 16 का पहला पद से पढ़े, एलीम से कूच करके हाँ इसराइलियों की सारी मंडली हाँ मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। कहाँ पहुंच गई, अब वहां से क्या किया, वहां से भी रवाना कर दिया। अब ये कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। हालेलुया, आगे पढ़िए। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। अब फिर दिक्कत हो गई, अब क्या होने लगा, फिर बकबक होने लगे। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग यहाँ पर आए थे जब पूरी रीत से बीमार थे, परेशान थे और ऐसी समस्या में थे, किराए घर में रहते थे। अभी परमेश्वर आए तो आपको चंगाई, शारीरिक चंगाई दिया, आपको आर्थिक चंगाई दिया। ध्यान रखना, इनको भी जीवन में वैसे हो रहा है। अच्छा इनके जीवन में क्यों समस्या आ रही पता आपको, इनके जीवन में दिक्कतें क्यों आ रही बार बार, परमेश्वर ने आगे क्या बोला था, जितना वचन मैं तुमको बता रहा हूं अगर इसको पालन करोगे तो कोई रोग, कोई बीमारी, कोई समस्या तुम्हारे तुम्हारे देहरी के पास नहीं जाएगा, तुम्हारे दरवाजे के पास नहीं जाएगा, तुम्हारे दहलीज के पास नहीं जाएगा, है ना। पर मनुष्य क्या है, मनुष्य मतलब आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है, उसका अनादर करने वाला मनुष्य है, इसलिए बार बार इनके जीवन में क्या आ रही है, समस्याएं आ रही है। कितने दिन का मतलब सफर था, कितने दिन लग गया, कोई काम अगर आपका सफल होने वाला है, आशीषित होने वाले हो, ध्यान रखना आपका अगर 2 दिन का है, 4 दिन का है, तो आपको 2 महीने भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सफर ज्यादा लंबा नहीं था, पर 40 साल लगा दिए सफर में, क्यों, अनज्ञाकार था। जब इनको आशीष मिल रही तो परमेश्वर को बड़ाई नहीं कर रहे, जब इनको कमी घटी हो रही तो उसको कुड़कुड़ा रहे, हमेशा हमेशा ये कुड़कुड़ाना कर रहे थे। अभी यहां पर हमको देखना, इससे ध्यान रखना, अगर सामने वाला, मैं बाइक लेके जा रहा हूं, मेरे सामने 2 बंदे बाइक लेके जा रहे हैं, अब लाल बत्ती आ गई, वो भी खड़े, मैं भी खड़ा, और वो लोग देखे इधर उधर कोई नहीं है, फुर लाल बत्ती पार करके आगे पुलिस वाला पकड़ लिया, क्या किया, अब मैं देख लिया यार पुलिस वाला उधर खड़ा है तो मुझे क्या करना है, मुझे भी घुस जाना है उसी में,
अरे यार उसकी गलती से तो समझ जाओ ना कि अब हमको उस लाल बत्ती को पार नहीं करना, अगर हम पार करेंगे तो हम ही फंसेंगे ना। अभी जो इसराइली लोग कर रहा है उसको हमको आपको करने की जरूरत है क्या? परमेश्वर कह रहा है कि ध्यान रखना, कई बार हम जब प्रभु के पास आते तो हमारे जीवन में बड़ी बहार आ जाती है, आशीषें आ जाती है, बरकतें आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हम दीन होते हैं, नर्म होते हैं, बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, हम दिल से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर जैसे हम थोड़ा बरियार होते हैं ना, इसकी सुनते उसकी सुनते हैं ना, तो मनमानी करना शुरू कर देते हैं। फिर पता क्या आ जाता है? फिर समस्याएं आ जाती हैं। फिर अगुए से नहीं बोलते, परमेश्वर से नहीं बोलते, फिर हम दूसरे से बोलना शुरू करते, फिर समस्या कम नहीं होती और बढ़ती जाती है और स्थिति खराब होती चली जाती है। ये लोग के जीवन में क्या था? ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। जब इनके जीवन में समस्या आती थी ना, तो ये लोग आपस में कुड़कुड़ाते थे। अरे यार पता है तो होगा, हुआ सही रहे, ये बेकार हो गए सब, है ना। अच्छा कई बार मैं गांव की भाषा बोल देता हूँ, समझ में नहीं आता होगा ना, आता है। हालेलुया। वो लोग बोलते होंगे यार ये सब जितना भी वहां पर हम लोग ने किया वहां पर सही था, कम से कम रोटी मिल रही थी, खाना मिल रहा था, अच्छे से नहा खा रहे थे, पर यहाँ पर तो सब कुछ बेकार हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा थोड़ा सा, देखिए क्या कह रहे हैं लोग। इसराइलियों उनसे कहने लगे, हाँ इसराइली लोग उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, हाँ, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते, हाँ, तो उत्तम नहीं था जी, पर तुम हमको इस जंगल में इससे निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखा मार डाले। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे ये लोग, क्या कह रहे हैं? अच्छा ये लोग स्मरण नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे। ये लोग कौन सी बात को भूल गए? कौन सी बात को भूल गए? लाल समुद्र को भूल गए, फिरौन के हाथ से आजाद कराना भूल गए, ये लोगों ने जो खारा पानी था उसको मीठा कराया गया उसको भूल गए, परमेश्वर ने 7-12 सोते दिया उसको भूल गए। अभी अभी इनके जीवन में क्या आ गया है? अच्छा इनको क्या करने की जरूरत है? अगर इनके जीवन में समस्या है तो क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना, दुआ करने की जरूरत है, एक मन होने की जरूरत है, उसकी आराधना करने की जरूरत है। परंतु ये लोग क्या कर रहा है? कुड़कुड़ा रहा है। अच्छा आप लोग क्या करते हो जब आपके जीवन में समस्या आती है तो? या बुद्धि दौड़ाते हो? अरे यार इसी बढ़िया तो पहले काम सही रहा, कम से कम टाका लग जाता रहा है ना, झूठ बोल देते थे, थोड़ा से 2 पेन लिख देते थे। ध्यान रखना अभी आप मंडली में हो, जब घर पे जाओगे ना, अपने बिजनेस पे जाओगे ना, जब आपके घर का किराया नहीं दे पाओगे ना, घर का साड़ी नहीं पहना पाओगे ना, अपने मतलब वाइफ को या बच्चे को कपड़ा नहीं पहना पाओगे, तो आप दिमाग लगाने लगोगे यार कहाँ से जुगाड़ करूं। एक काम करता हूँ, उसके वाले माल में ऐसे कर देता हूँ, उसके वाले में ऐसे कर देता हूँ, ये नोक मतलब ऐसा चोरी का दिमाग चंग मतलब उसको मतलब दिमाग मतलब उसको हम मतलब क्या बोल सकते हैं, चलाकी का दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि कहाँ से 2 पैसा हमें ईस्टर आएगा, है ना। हम अपने परमेश्वर को ये दुहाई नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, दिमाग नहीं तोड़ाएंगे कि हमें उपवास रखने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु तूने बीते समय मेरे जीवन में आशीष दी थी, तू आज भी मेरे जीवन में कर सकता है, तेरे लिए संभव है, तूने बड़े बड़े काम किया है, तू हमारे लिए कर सकता है। हम ये दिमाग नहीं मलपी दौड़ाते हैं। अभी तो हम मंडली में है, हमको सिखाया जा रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि हमको आराधना करना चाहिए। इसराइली लोग आराधना नहीं कर रहे थे, पर आपको एक जगह नहीं पर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मैदान में जब आप खड़े होंगे तब आपको एहसास होता है कि मुझे कैसे दिमाग दौड़ाना अपने परिवार बच्चे को आगे ले चलने के लिए। हालेलुया। अभी बहुत से लोग आए मसीह में आने की बात पता है उनका जीवन सही हुआ, ब्लेसिंग पाए, परंतु जो अनज्ञाकारता की समस्या में आए, दुर्बलता में आए, बहुत से लोग प्रभु को छोड़कर चले गए पीछे। पता क्यों? क्यों चले गए? क्योंकि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं अपने आप से, ना तो अगुए से बोल रहे हैं ना तो परमेश्वर से बोल रहे हैं, वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारा काम है, अभी बहुत सारे लोग हैं कुछ कर लेते हैं तो अभी बहुत सारा मेरे पास फोन आता है, कोई भी चीज है ना, जैसे गाड़ी हो गई या कोई भी काम हो गया, वो काम कर लेंगे तो बोलेंगे पास्टर जी आपो आ जाता नहीं प्रार्थना कह दिया। मतलब पहले नहीं बोलते, बाद में डिसीजन ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे पास्टर जी। ऐसा ना कहीं पास्टर जी बुरा ना मान जाए यार, समझ रहे कि नहीं।
हालेलुया। आप लोग अपने ऊपर नहीं लेना, आप लोग अच्छे आदमी हैं। यहां पर प्रभु अपने वचन में हमसे क्या सिखाना चाह रहा है, हमें क्या बताना चाहता है कि जब हम मूसा के पास आकर मूसा के विरोध बात ना करके मूसा से हम अपनी कमियों को बताएं कि मूसा आप देखें हमारे जीवन में ऐसी स्थिति है, हम क्या करें, क्या हम परमेश्वर की दुहाई दें, क्या हम उपवास रखें, क्या हम प्रार्थना करें, हम कुछ तरीका ले सकते हैं ताकि परमेश्वर हमारे लिए क्या करे, रास्ता खोले, परमेश्वर हमारे लिए उन आशीषों को मुहैया करे। क्योंकि जब ये लोग वही बात ये लोग कुड़कुड़ा के बोलते थे, मूसा का दिल दुखा देते थे, मूसा को रुला देते थे, तो मूसा क्या करता था, परमेश्वर के साथ दुहाई देता था, परमेश्वर जिन लोगों को तूने मेरे लिए सौंपा है अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे गद्दार बोलेगा, जो तूने मुझे दिया है ना मैं वो काम करने के लिए पिता मैं तैयार हूं, और वो रोता था, उपवास रखता था और क्या करता था, परमेश्वर उनके लिए रास्ता निकालता था, क्या करता था, रास्ता निकालता था। यहां पर लिखा हुआ है कि ये लोग रोटी के लिए तरसने लगे, क्या लिखा हुआ, थोड़ा पढ़िएगा आगे, इज़राइल तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर, मैं आकाश से तुम्हारे लिए क्या करूंगा, कौन बोल रहे हैं, मूसा से परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं आकाश से तुम्हारे लिए भोजन दूंगा। ध्यान रखना ये बाइबल का परमेश्वर आज और कल और युगा युग एक सा बदलने वाला नहीं है, आज भी आपके जीवन में मुहैया करता है, आज भी तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है, आज भी तुम्हारे जीवन में सारी कमी घटी को पूरा करता है। मैंने उसके बड़ी बड़ी आशीषों को मैंने अपने जीवन में, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर आपको पता है परमेश्वर ने आकाश को क्या किया, परमेश्वर ने देखिए मतलब ध्यान सुनिएगा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा जी, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, हाँ, इससे मैं इनकी उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ध्यान से सुनना, परमेश्वर उनको आसानी से खाना खिला सकता था, पर पता है एक आज्ञा दिया, एक कानून दिया कि क्या ये मेरी बात का आदर करते कि नहीं करते, मैं इनको दूंगा तो सही। आज्ञा क्या दिया परमेश्वर ने, जो आकाश से मन्ना गिरेगा, जो आकाश से भोजन आएगा, वो भोजन को क्या करना है, सिर्फ जैसे कि अगर हम पांच लोग हैं, मेरा दो बेटा एक बेटी, मेरी पत्नी, मैं पांच लोग हूं, तो हमें सिर्फ पांच लोग का ही भोजन एक दिन में इकट्ठा करना है, छह लोग का नहीं करना है, और इतना ही भोजन लेना है जितना हम रात के लिए नहीं रखना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, खाना बना के रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, जितना तुम्हें चाहिए उतना लो, बाकी अगर ऐसा करो, ऐसा मतलब एक ऐसा कानून था परमेश्वर का, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या होगा, क्रोधित होगा। आपको आकाश से क्या क्या होता है, जब हमारे जीवन में आने लगता है तो हम क्या करते हैं, यार अचानक क्या था कि हम तो हमारे पास कुछ है नहीं, भूखे हम हैं, परमेश्वर ने क्या बोला कि आकाश से मैं क्या करूंगा, तो मैं भोजन वस्तु दूंगा, और परमेश्वर ने एक तरफ से मन्ना दे दिया, और उसके बाद सोचो यार मैं काम करता हूँ, कल का नहीं एक महीने का इकट्ठा करके रख लेता हूँ। अभी परमेश्वर आज्ञा दिया है कि एक दिन से ज्यादा जितना लोग है उतना ही लेना, ज्यादा नहीं लेना, पर इंसान क्या है, बोलो लालची है, बोलो हम भी लालची हैं, सही में, हालेलुया। उसकी आज्ञा है कि आप किसी का चोरी नहीं करना, किसी चीज का लालच नहीं करना, है ना। आज भी वो अपने आज्ञाओं को दिया है हमको, आपको आज भी उसका आज्ञा अगर हम पालन करते हैं तो ध्यान रखना हम उसके करीब होते चले जाते हैं, उसकी आशीष को हम देखने पाते हैं, ब्लेसिंग को देखने पाते हैं, और जैसे ही हम गुनाह और पाप करते हैं परमेश्वर और हमारे बीच में पता है एक दीवार खड़ी होती चली जाती है, आशीष से भी वैसे भी हम दूर होते चले जाते हैं। हालेलुया, आपको उसके अधीनता में आने की जरूरत है, आपको उसके आज्ञाकर्ता में आने की जरूरत है, आपको उसके अधीनता में होने की जरूरत है, तभी आप उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमें ये चीज को बताना चाह रहा है कि उसने कानून व्यवस्था दिया, क्यों दिया व्यवस्था। अभी कुछ लोग को मैं बता रहा था जूम मीटिंग में कि मैं जब प्रभु में नया नया आया था तो कुछ लोग मेरे से सवाल पूछने के लिए आए थे। सवाल ये था
कि वो लोग कह रहे थे कि जब पृथ्वी में परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान बनाया था किसको? आदम बाबा को, है ना। जब आदम को बनाया तो आदम और हवा को जब बनाया तो उसके बेटा बेटी जब पैदा हुए तो वो सवाल पूछा गया कि जब उसके बेटा बेटी जब पैदा हुए तो ये बताओ कि उनके बेटा बेटी से शादी कौन किया? क्या वो भाई बहन से शादी किए, परिवार बढ़ा, या और कोई परमेश्वर ने सृष्टि किया? आप क्या सवाल के जवाब दोगे? भाई परमेश्वर ने कोई दूसरा मनुष्य बनाया नहीं था, आदम को बनाया, हवा को बनाया, फिर कैन हाविल, ऐसे कई बच्चे उनके होते गए और वो उसी के द्वारा वो बढ़ते गए। आप बोलोगे क्या सचमुच में ऐसा हुआ था? समझ में नहीं आ रहा ना, अभी क्या आ रहा है आपके अंदर, क्या सवाल आ रहा है? सचमुच में पहले आदम बाबा और हवा, हमारी आदि मतलब आदि माता जो शुरुआत की माता है हवा, उनके द्वारा जो संतान हुए आदम और हवा के द्वारा, उनके द्वारा जो बच्चे हुए, उन्होंने आपस में एक दूसरे से क्या किया? शादी किया, और मतलब उन्हीं के द्वारा क्या हुआ? परिवार बढ़ा। हमको आपको कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है कि नहीं? हम भाई बहन से कैसे कर सकते? आज हम करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भाई बहन है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें जो हमको परमेश्वर का वचन जो मैं सिखाया गया, परमेश्वर बताता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप आपका पीला घड़ी की लाल बत्ती कितने लोग देखा है? आप लोग ने देखा? चलो मुंडका की लाल बत्ती देखा होगा आप लोग ने। इससे पहले लाल बत्ती नहीं थी, कोई रेड लाइट नहीं थी, जो मर्जी सो आ रहा था, जो मर्जी सो, क्योंकि कोई कानून कोई कायदा था ही नहीं, कोई लाल बत्ती थी नहीं, सबको आना जाना था। पर जैसे ही लाल बत्ती लगती है तो क्या हो जाता है? कानून आ जाता है। जैसे ही कानून आता है वैसे ही क्या हुआ? अगर लाल बत्ती हो गई तो आपको रुक के जाना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर ने पहले ऐसा कोई कानून नहीं दिया था। जब आप बाइबल को पढ़ते हो निर्गमन की किताब में, तो वहां पर भी हमें 20 अध्याय में बताया गया है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिया है वहां पे। व्यवस्था विवरण में 28 के 28 और 29 अध्याय में वहां पर हमें व्यवस्था दिया है, उन व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने के लिए। हालेलुया। पहले क्या था? पहले क्या था कि कोई, जैसे कि अगर आप लोग जो लोग समझदार हैं इस बात को समझ सकते हैं कि जब रोड पे रेड लाइट नहीं है, लाल बत्ती नहीं है, तो आपके पास कोई रोकेगा वहां पर? गाड़ी रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा। और जैसे ही लाल बत्ती लग जाएगी आपके पास कानून आ गया कि भाई अब हमें लाल बत्ती पे रुक के जाना है, अब हमें पार नहीं होना है। ऐसे ही आपको पता है, जब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सबको वैसे ही बनाया था, जब आदम और हवा ने भले और बुरे का जो फल खाया था तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। तब उनको पता चला कि अब हम कैसे हैं, नंगे हैं या नहीं है। तब परमेश्वर ने उनको जो है चमड़े का अंगच्छर मतलब पहनाया ताकि ये गुनाह और पाप में न बढ़े, है ना। वहां पर उन्होंने ऐसे किया क्योंकि उस समय उन्होंने कोई कानून नहीं दिया था, बस एक ही चीज बोला था कि तुम इस पृथ्वी से उनको निकाल दिया था। और उस पे क्या नाम है, आदम फिर वहां गया था आदम की वाटिका में, पर उसने क्या किया, वहां पर उस पे घेरा बना दिया कि कहीं जीवन का वृक्ष का फल का न खा ले। पर बाइबल बताती है कि उन्होंने दोबारा उस फल को नहीं पाया और ये दिन प्रतिदिन क्या हुए, परमेश्वर से दूर होते गए। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बातचीत करते गया और अपने नबियों के द्वारा बातचीत करता गया, और हम देख पाते हैं कि वो कानून हमें देता चला गया, जैसे जैसे सुविधा देता चला गया। पता है आप जब देखोगे तो व्यवस्था विवरण 28 में, व्यवस्था विवरण 29 में आप जब देखोगे तो वहां पर सौतेली बहन, चाची, माँ, मौसी, किसी के साथ भी अगर कुकर्म करता है तो बाइबल बताती है कि उस पे हाय, ये सब व्यवस्था दी गई है। नहीं तो पहले जैसे बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस है, इस प्रकार से इंसान का जीवन था। पर जैसे ही व्यवस्था आती है क्या हो जाता है कि
क्योंकि हम हमारे आपके अंदर क्या आ गया, बुद्धि आ गई थी। कब? जब हम भले बुरे का ज्ञान का फल खाए। जैसे हम फल खाए वैसे क्या हो गए, हम बुद्धिमान हुए। फिर हमें व्यवस्था दी गई कि तुम्हें इस व्यवस्था के अनुसार चलना है। पर हम व्यवस्था को मानते हैं क्या? नहीं मानते ना। हालेलुया, आपको समझ में आया? अगर कोई पूछेगा तो बोल देना उनको, भैया तब व्यवस्था नहीं थी, तब ऐसे ही कानून था, भाई बहन से वहां पर वो परिवार बढ़ा था, पर अब भाई बहन से नहीं, अब परमेश्वर ने व्यवस्था बना दिया है। अब परमेश्वर ने एक पत्नी एक पति, दूसरा तीसरा चौथा नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये कानून है किसका? प्रभु को। इसीलिए प्रभु ने बोला कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको कोई अलग। हम लोग मार्ग से भटक रहे हैं। ये लोग कहां पर हैं? मिस्र में। और ये लोग को मन्ना दिया गया, और मन्ना के लिए ये लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे खाने के लिए, पर परमेश्वर ने इनको व्यवस्था दिया था। क्या दिया था? व्यवस्था दिया। इस व्यवस्था को क्या करना है? आपको तोड़ना नहीं है। अब चौथे स्थान पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारा मल्कि वचन को भी, और हम जाएंगे क्योंकि हमें आपके लिए प्रार्थना भी करना है। 17 अध्याय में हम आएंगे, 17 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। फिर इसराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली। हाँ, और यहोवा के आज्ञा के अनुसार हाँ कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। कहाँ खड़े किए? ये कौन सा स्थान है? जोर से बोलो, कौन सा स्थान है? बोलो, चौथा स्थान है। ये चौथे जगह पहुंच गए, और वहां पर क्या किया अपना? इन्होंने डेरा खड़ा किया, और क्या हुआ? रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। हाँ, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। हाँ, अब फिर मुश्किल आ गई। एक जगह पानी मिला, कैसा मिला? खारा। दूसरे जगह कैसा मिला? 1200। तीसरे जगह खाने की दिक्कत, चौथे जगह अब फिर पानी की दिक्कत। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या हो रहा है? समस्या पे समस्या आ रही है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब वहां पर पीने का पानी ना मिला, फिर क्या होता है? फिर से ध्यान से सुनिए। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे। अब ये लोग क्या करने लगे? अच्छा, वाद विवाद करना चाहिए इनको, क्या कर रहे हैं लोग? फिर मूसा से वाद विवाद करने लगे। हमें पीने का पानी दे तू। अब मूसा ने उनसे कहा, मूसा ने फिर उनको कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? अब मूसा उनको क्या सिखाना चाह रहा है? मूसा क्या बोल रहा है? तुम मुझसे क्यों वाद विवाद कर रहे हो? हालेलुया, मूसा क्या कह रहा है? तुम मुझसे वाद विवाद मत करो। मूसा अच्छा क्या चाहता था बताओ? ये मतलब मूसा क्या चाहता है? मूसा क्या चाहता है? गया प्रसाद भैया, मूसा क्या चाहता है? मूसा नहीं, इस जैसे कि लोग मूसा के पास आकर मूसा से क्या बोल रहे हैं? तू हमें क्या कर? पीने का पानी दे। पर मूसा क्या बोल रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूसा क्या कह रहा है? तो मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? मुझसे बात भी बात क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे नहीं आया हूं तुम्हारे पास। जो तुम्हें बनाया है ना, जो तुम्हारे माँ के गर्भ में तुम्हें 9 महीने रखा है ना, जो तुम्हें आजाद करवाया मिस्र से, जो तुम्हें जल दिया है, जो तुम्हें भोजन दिया है, वो तुमसे प्यार करता है। तुम उससे क्यों नहीं बोलते? तुम उससे क्यों नहीं मांगते? तुम मुझसे बार बार क्यों लड़ते हो? आप समझ पा रहे हो? मूसा क्या कर रहा है? मूसा कह रहा है तुम मुझसे क्यों लड़ रहा है? तू परमेश्वर से प्रार्थना करना, तू परमेश्वर की ओर जाना। किसकी ओर जा? ये क्या कर रहा है? ये अंधा बन के घूम रहा है। खाना दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो, ऐसे कर रहा है। आप लोग ऐसे हो क्या? आप लोग प्रार्थना करने वाले हो ना? आप लोग उपवास करने वाले हो ना? आप प्रभु से निरंतर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो? समझ में आ रहा है? मूसा क्या कह रहा है यहाँ पे? मुझसे क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? मुझसे की बात भी बात कर रहे हो? तुम विश्वास क्यों नहीं करते कि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है? मेरी दुहाई भी जब सुनता है तो तुम्हारी भी दुहाई सुनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दुहाई देता हूं। वो मेरे ऊपर तरस नहीं खा रहा। किसके ऊपर तरस खा रहा है? तुम्हारे ऊपर तरस खा रहा है।
किसके ऊपर तरस खा रहा है परमेश्वर? आपके दर्द को देख रहा है, आपकी परेशानी को देख रहा है, आपकी समस्याओं को देख रहा है। जैसे मैं अपने हृदय को पवित्र पाक रखता हूं, जैसे मैं अपने आप को शुद्ध रखता हूं, जैसे मैं परमेश्वर के सामने रिश्ता रखता हूं, वैसे तुम क्यों नहीं रखते? तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? मैं चाहता हूं कि तुम अपने परमेश्वर को जान लो। वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दूध और मधु की धारा में लेके जाना चाहता है, वो तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता है। तुम उसको पहचानते क्यों नहीं? तुम्हारी आंख खुलती क्यों नहीं? तुम उसे जानते क्यों नहीं है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करेगा, एक व्यक्ति की बार मल के द्वारा चमत्कार करेगा, क्या दूसरे के द्वारा नहीं करेगा? बार बार इसी व्यक्ति के द्वारा चमत्कार कर रहा है, आपके अंदर क्यों नहीं जलन पैदा होती कि मैं भी ये काम करूंगा, मैं भी परमेश्वर के साथ बातचीत करूंगा, मेरे भी जीवन से परमेश्वर काम करेगा? हालेलुया। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, है ना? हमारी मानसिकता, हमारी सोच यही है कि हम ये काम नहीं कर सकते, खाली मूसा कर सकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार बताऊं आप लोग को, मैं एक बहुत सीरियस बात आपको लोग दूंगा, एक टेबलेट दूंगा जिसके द्वारा आप आग की तरह आग लग जाएगी आप लोग के अंदर। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप सही से ध्यान से वचन सुन रहे हो ना, तो आज आत्मा से भर जाओगे। आमीन। ध्यान रखना, परमेश्वर वहां पर क्या करता है मूसा के द्वारा, आगे पढ़िए। और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? हाँ, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, जी तुम हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पत्थरवा करने को तैयार है। क्या करने को तैयार है? ये मुझे पत्थर से मार देने के लिए तैयार है। परमेश्वर, सोचिए, परमेश्वर जिसकी प्रार्थना को सुन रहा है, सोचिए कि जो स्वर्ग के परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, लोग उसको पत्थर से मारने के लिए तैयार हैं। पता है, आज मसीह लोग, मसीह परिवार पूरे देश के लिए दुआ करता है। शांत रहे आप लोग, प्लीज बिल्कुल शांत रहे। आज मैं बताऊं, सुबेरे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं प्रतिदिन मैं मीटिंग चलाता हूं, सुबेरे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। जो लोग जुड़ते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं सुबह वाली मीटिंग में? देखो, कम से कम 15 से 20, 25, 30 लोग जुड़ते हैं, कई बार 18 लोग, 20 लोग, 22 लोग जुड़ते हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हो। सुबेरे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के सभी पुलिस प्रशासन के लिए हम लोग क्या करते हैं? दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों दुआ कर रहे हैं? क्योंकि हम इस देश में हैं, हमें इस देश की सुरक्षा की जरूरत है। हमारे इस देश, जैसे हम इस घर में हैं, तो हमारा काम है कि इस दीवार का पेंटिंग करना, हमारा काम है यहाँ पर पंखा कूलर लगाना। अगर हम इस देश में हैं, तो अपने देश के नींव को मजबूत करना। हम लोग मसीह लोग हैं, मसीह लोग अपने देश के लोगों के लिए दुआ करना। आमीन। अभी यहाँ पर मूसा क्या कर रहा है? अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, पर उसी को क्या कर रहे हैं लोग? पत्थर मार रहे हैं। आज मसीह लोग उपवास रख रहे हैं, 40 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का आज मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उनकी आंख के सामने क्या है? पट्टी बना हुआ है। वो नहीं जान पा रहे हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है, वो नहीं जान पा रहे कि परमेश्वर सबकी सुनता है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। पर आप समझ जाओ, आप जान जाओ, आपकी आंखें खुल जाएं, आपकी समझ खुल जाए। जितने लोग मेरे आवाज को समझ रहे हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपकी आंखें खुल जाएं, आप जान जाओ। आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो अंधे हो सकते हैं, वो बहरे हो सकते हैं, वो गूंगे हो सकते हैं, वो कठोर हो सकते हैं, पर आप कठोर नहीं है। आप अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपसे डायरेक्टली बातचीत करना चाहता है। आप कौन है? आप उसके बेटा और बेटियां हैं। मूसा बार बार ये चीज को बताना चाहता है कि मेरी द्वारा जब परमेश्वर सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। ध्यान रखना, मेरा परमेश्वर कठोर नहीं है। तुम लोग मुझे पत्थर मारने के लिए तैयार हो, उसके बावजूद भी मेरा परमेश्वर तुम्हें अन्न दे रहा है, तुम्हें जल दे रहा है, तुम्हें सारी वस्तुएं दे रहा है। मेरा परमेश्वर कठोर नहीं है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए मुझे भेजा है।
हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, मूसा जन्म कहां पाया था? मूसा कहां जन्म पाया था? यहोशू जन्म कहां पाया था? बोलो मिस्र में, बोलो मिस्र में। मूसा की मम्मी पापा कैसे थे? बोलो गुलामी में थे। आप लोग नहीं पढ़ते तो मैं पढ़ा रहा हूं, बोलो गुलामी में थे। यहोशू के भी माता पिता गुलामी में थे। यहोशू के माता पिता गुलामी में थे, मूसा के माता पिता गुलामी में थे। बोलो मूसा भी गुलामी में था, यहोशू भी गुलामी में था, परंतु वो जंग लड़े। उस गुलामी से भी उन्होंने परमेश्वर के साथ संबंध रखा और हर एक हद को चीर करके, हर एक मतलब सरहद को चीर के, हर एक जंग को पार करके लड़कर उन्होंने मिस्र देश में जाकर प्रवेश कर गए। मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जो दास लोग थे एक गुलामी में थे, एक ऐसी गुलामी में थे जहां पर कि उनको कोड़े मारे जाते थे, उनको मारा पीटा जाता था, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता था, और एक ऐसी बनुआई में थे मूसा भी और यह क्या नाम है इसका था यहोशू भी। उस गुलामी से इन्होंने निकलकर मिस्र को हराया और कना उसको क्या नाम है कनान देश को पहुंचाया। आप भी उसी प्रकार से एक पाप में जन्म लिए, गुनाह में जन्म लिए, पर आपको परमेश्वर बताना चाहता है कि जिस प्रकार से मूसा और यहोशू परमेश्वर के राज में बढ़ सके, वैसे आप भी परमेश्वर के राज में बढ़ सकते हो, आप भी जयवंत हो सकते हो, आप भी विजयी हो सकते हो, आप भी मतलब की छा सकते हो, आप भी शैतान के सर को कुचल सकते हो। परमेश्वर ने आपको भी उसमें से निकाल कर आजाद करेगा जिस प्रकार से ये लोग गुलामी में थे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपना 39 कोड़े वो मार खाया और अपने आप को दे दिया, अपनी जान को दे दिया, किसके लिए? ताकि हम जयवंत होने पाए। आमीन। अब सोचिए एक गुलाम व्यक्ति जो जयवंत होता है, जो मिस्र देश के राजा को हरा सकता है, आप नहीं कर सकते। मूसा के ऊपर जब आत्मा आता था ना, ठहरता नहीं था, पर हमारे आपके द्वारा बाइबल बताते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन जब आग उतरी थी ना तो ठहर गई थी। जब पवित्र आत्मा की कलेशिया का जब निर्माण हुआ था ना, मूसा इसहाक एलिसा इन सब से अद्भुत तरीके से आत्मा आया था इनके ऊपर। मूसा से ज्यादा, एलिया से ज्यादा, इन सब नबियों से ज्यादा पवित्र आत्मा जब पुराने मतलब नए नियम में इनके ऊपर प्रभावशाली रूप में आया था। किस लिए आया था? ताकि ये परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले बने। उस समय ध्यान रखना, उसमें से आपको क्या लगता है मूसा के जीवन में क्या मतलब की समस्या नहीं आई होगी? यहोशू के जीवन में क्या समस्या नहीं आई होगी? बहुत ज्यादा समस्या आई थी, बहुत ज्यादा दुख आया था, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, ये दृढ़ बने रहे और एक दिन परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े काम कर गए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मूसा का और क्या नाम है यहोशू का जीवन कुछ अलग था। बोलो उनका जीवन कुछ अलग था, उनका जीवन कुछ अलग था। मुझे उनके जीवन को देखने की जरूरत है। वो गुलामी में रहने के बावजूद भी वो एक षड्यंत्र रच रहे थे। मुझे अपने यहोवा के लिए जीवन जीना है, अपने लोगों के लिए जीवन जीना है, कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम अपने लोगों को आजाद कराएंगे, मिस्र से आजाद कराएंगे। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज भी हमें हर एक पापी को बाइबल का वचन के अनुसार, बाइबल बताती है कि हर एक पापी को प्रभु यीशु मसीह ने हमको आपको इसलिए चुना है ताकि हम हर एक पापी को क्या करें, परमेश्वर के राज में पहुंचाएं। मिस्र से जब उन्होंने कनान देश को पहुंचा सकते हैं, तो हम लोग पाप से स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते कि नहीं? कौन मतलब ये काम कौन करेगा? ये काम किसका है? आप गुलामी में हैं? आप किस में हैं? आजादी में है कि नहीं है? मुझे नहीं पता आपको समझ में आया कि नहीं आया। कई बार शैतान क्या करता है, हम आपको हमारे माइंड को दूर लेके जाना चाहता है। जब परमेश्वर के वचन कोई हमसे बातचीत करना चाहता है तो
है ना। परमेश्वर यहां पर हमसे एक बातचीत करना चाह रहा है कि जब वो लोग गुलामी में रहकर, उन्होंने पता है, ध्यान रखना, आज नौजवानों को हम देखते हैं, नौजवान अब कहीं ना कहीं वो फंसे पड़े हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। पर आज मैं बताऊं, आप देश की बात छोड़ दीजिए, गांव की बात छोड़ दीजिए, आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे हो, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हो। ये लोग पता है पूरे मिस्र के देश और पूरे इसराइली को इन्होंने बचाया। गुलामी में होकर इन्होंने क्या किया, पूरे मिस्र के अपने इसराइलियों को इन्होंने आजाद कराया, बचाया और कनान देश में ले गया। क्योंकि बाइबल 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, सुन, मैं उतर आया हूं और अपने लोगों की चिल्लाहट, फुकार, इनका तड़पना मैंने सुना है, मैं इनको दूध और मधु की धारा में जहां बहती है मैं वहां लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर आजाद कराना चाहता है। आज जितने लोग गुलामी में हैं, श्राप में हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, शैतान इनको नरक लेके जाना चाहता, पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कहता है मैं इनको स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है? मुझे पता है कि आप लोग, कुछ लोग चंगाई के लिए, मुझे क्या चाहिए, पर कुछ लोग के अंदर बोझ आ रहा है कि नहीं, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मुझसे बातचीत कर रहा है। जब मूसा कर सकता है, यहोशू कर सकता है, गुलामी में रह के कर सकते हैं, आज सदियों उनको गए हो गया, पर आज उनके हम बखान कर रहे हैं, आज उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। पता क्यों? जब एक बंदा परमेश्वर के लिए शहीद होता, परमेश्वर के राज्य के लिए जब जीवन जीता है, मेरे प्रिय, हम चले जाएंगे, हमारे पांव के निशान यहाँ पर रह जाएंगे, हम चले जाएंगे, पर हमारे काम, हमारा ललकारना, हमारा दहाड़ना रह जाएगा यहाँ पर, हमारा काम रह जाएगा यहाँ पर, हमारे बच्चे पुकारेंगे और कहेंगे कि हाँ, कोई था हमारे बीच में। हालेलुया। आपके, आप भी उसी प्रकार से, मैं आपको, हम सब अपने के बारे में बातचीत कर रहा हूं। मूसा और ये जो क्या नाम है, यहोशू, ये जो काम किए, आज पता है, आज हम सब उनके बच्चे हैं और आज हम उनकी बखान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक शहीद जीवन जिया, परमेश्वर के बच्चों के लिए जीवन जिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, जीवन उन्हीं के लिए मत जीना जो आपको सुखी सुख देते हैं, जीवन उनके लिए भी जीवन जीना है जो आपको हमेशा छेदते रहते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, छेद रहे हैं कि नहीं छेद रहे हैं? मूसा को क्या कह रहे हैं, हमेशा कुरकुरा रहे हैं, कितना अद्भुत अद्भुत काम कर रहे हैं। मूसा को कैसा होना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए कि नहीं? कितनी बार मूसा के साथ ये लोग विरोध किया है? ये तो 4 बार आपको ऐसे में बता रहा हूं, पता नहीं कितनी बार उसके साथ किया होगा, है ना। पर मूसा क्या किया, अभी आगे देखो क्या करता है मूसा, आगे पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों की आगे बढ़ चल। ध्यान रखना, परमेश्वर, अभी ये लोग क्या क्या किया था मैं आपको फिर से सुना देता हूं। सबसे पहले क्या किया, लाल समुद्र पार कराया। दूसरा क्या किया, खारा नमक, जो नमक जैसा पानी था उसको मीठा कराया। तीसरा, 12 सोते के पास। चौथा, तीसरा था ना, हाँ, भोजन वस्तु दिया। अब चौथे में फिर ये लोग कहां पर हैं, पानी यहां पर क्या है, पानी है नहीं। अभी ये सोते में नहा रहे थे, धो रहे थे, पखार रहे थे, कूद रहे थे, पर अभी यहां पर पानी नहीं है। यहां पर क्या है, बोलो, चट्टान है, पानी का बूंद नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो, पानी की बूंद नहीं है। अब लोग कुरकुरा रहे किसके लिए, पानी के लिए कुरकुरा रहे। किससे, मूसा से, बल्कि मूसा के ऊपर कुरकुरा रहे। पर परमेश्वर मूसा से क्या बोलता है, पढ़िए भैया। यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से, हाँ, कुछ को अपने साथ ले ले। ध्यान सुनो, किसको ले ले, आप कुछ लोग समझ रहे क्या, मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ जो लोग तेरे विरोध में ज्यादा खड़े हैं ना, जो लोग लीडर बने हैं ना, उनको तू लेकर आ। किसको लेकर आ, जो लीडर बने हैं, जो लोग भड़का रहे हैं लोगों को, जो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग भड़काने वाले भी होते हैं चार को, वो क्या कर रहे हैं, कुछ लीडर को तू ले ले और तू चल कहां पर, पहाड़ पर, मैं दिखाता हूं कि तेरे साथ हूं कि नहीं। कुछ लोग वो लोग भी थे ना, कौन लोग, जो भड़काने वाले। ध्यान रखना, नौजवान तो भड़काते भड़काते हैं, पर बुजुर्ग भी हैं,
हालेलुया। अभी जब बुजुर्ग लोग के सामने और भड़कालू लोगों के सामने जब चमत्कार किया जाएगा तो क्या होगा, उनकी आंखें खुल जाएंगे कि अब वो लोग बुजुर्ग लोग और वो लोग बोलेंगे, वो लोग सावधान हो जाएंगे, यार कुछ तो है वहां पर। क्या होता आगे पढ़िए, देख मैं तेरे आगे चलकर बड़े पहाड़ में एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, हाँ, और तू उस चट्टान पर मारना, हाँ, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही सारे पुराने लोगों को, सारे लोगों को लिया और जो, जो जो लोग और भी लोग थे उन लोग को भी लिया और उन सबको ले जाकर जैसे परमेश्वर ने कहा था जिस पहाड़ पर लाठी मारने के लिए वहां पर वो खड़ा हुआ। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि इसराइल ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। नहीं आगे ऊपर पढ़िए जो पानी मारा था। मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको क्या लगता है कि आपका परमेश्वर आपके आपके जीवन में रास्ता खोलेगा कि नहीं खोलेगा? अच्छा, कितने लोग इस वचन को अपने जीवन से जोड़ रहा है? कई बार क्या होता है कि आप आते आते क्या होता है, आप सख्त हो जाते हैं। और पता है ये जो हुल्लड़ मच रहा था क्यों मच रहा था? हुल्लड़ क्यों मचता है? पानी नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है और भी समाधान हो सकता है, हुल्लड़ क्यों मचता है? बुराइयां पैदा क्यों होती है? जब हम एकता में नहीं होते, यहां पर एकता नहीं थी। आज समाज में आप जहां पर हो वहां पर एकता है? आपका सपोर्ट करने वाला है कोई मसीह का? नहीं है। आप प्रभु में आ रहे हो, अगर आपको बोला जाए कि भैया आपके आंख में समस्या है, प्रभु यीशु मसीह आपकी आंख को चंगा कर देगा। आपके पास संतान नहीं है, प्रभु आपको संतान दे देगा। पर आपके आपके शरीर में रोग है, परमेश्वर आपके आपके शरीर के रोग को निकाल देगा। आपको कई लोग आएंगे आपके पास और आपको बोलेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हुआ है? आपको प्रार्थना के द्वारा आंख ठीक हो सकती है, संतान हो सकता है, रोग जा सकता है। ये चीज आपके मनों में क्या करेंगे, डालना शुरू करेंगे, फिर आपके अंदर तूफान आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू होगा? सवाल, जवाब, चिंताएं, निराशा आपको झकझोरना शुरू करेंगे, आपके आपके परमेश्वर से क्या करेंगे, दूर लेके जाना शुरू करेंगे। हालेलुया, एकता नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर परमेश्वर के पक्ष में बात करने वाले नहीं है। पर वहां पर भी यही हाल था कि मूसा, जो लोग वहां पर कुड़कुड़ा कर मूसा तक बात पहुंचाते थे, वहां पर भी एकता नहीं थी। वो लोग अगर एकता होती तो क्या करते, मूसा के साथ एक होते। एकता थी बुराई की, एकता प्रेम की नहीं थी, एकता परमेश्वर के साथ जुड़ने की नहीं थी। आज हमें परमेश्वर एक ही चीज बता रहा है, अगर ये लोग बुराई करना छोड़ दिए होते, कुड़कुड़ाना छोड़ दिए होते, तो ये इतना दिन घूमते नहीं 40 साल तक, इतनी समस्या, इतना दुख नहीं झेलते। आज मैं इसके द्वारा परमेश्वर एक बात बताना सिखाना चाहता है कि आप जितना दूसरों के सुनोगे उतना समस्या में फंसोगे, जितना आप दूसरों के मानोगे उतनी आप समस्या में पड़ोगे। बाइबिल आपसे क्या कहती है, वचन आपसे क्या कहता है, उसको जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपके जीवन में समस्याएं घेरे रहेंगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु आपसे एक बात बोलना चाह रहा है, अगर इस चीज को ध्यान देते हो, परमेश्वर एक चीज दिखाना चाह रहा है, मैं वो चट्टान, मैं वो परमेश्वर हूं जो चट्टान से पानी निकालने की सामर्थ्य रखता हूं। इसीलिए बुजुर्गों को इकट्ठा कर रहा है, जितने पुरानिये हैं, जितने लोग हैं, कि उनकी आंखें खुले कि यहोवा मूसा के साथ है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यहोवा परमेश्वर यहाँ पर है जो आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके जीवन में जो काम कर रहा है। हालेलुया, मैंने बहुत से भाइयों के जीवन में देखा, बहुत से बहनों के जीवन में देखा है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम किया है। ये शुरुआत है, लाल समुद्र शुरुआत है, खारा पानी शुरुआत है, 1200 शुरुआत है। ना जाने कितने अभी आपके जीवन में काम परमेश्वर करने पर है, ना जाने कितने अद्भुत काम करने पर है, पर आपको क्या करना है, भरोसा रखना, विश्वास करना है।
आप कई बार अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा रखे हुए हैं, कई बार अपने नौकरी के ऊपर आप भरोसा रखे हैं, कई बार अपने विवेक के ऊपर आप मतलब भरोसा रखे हैं, कई बार अपने आदमी के ऊपर भरोसा रखे, अपने पत्नी के ऊपर भरोसा रखे हैं, यही सब कुछ कर सकते हैं, यही बिजनेस के द्वारा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पर मैं आपको नहीं पता परमेश्वर आपके जीवन में कब कहाँ कैसे द्वार खोल दे, कहाँ कैसे आपको आशीषित कर दे, आपको नहीं पता है। हालेलुया। अब बताइए यहाँ पर जब मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला, तू सारे लोगों को लेके जा, कहाँ ले जा, पहाड़ के पास, और कहाँ, चट्टान के पास। चट्टान पे क्या क्या करना, तुम किस लिए लाठी मारने के लिए बोला है? आप कभी सोच सकते हो कि चट्टान से पानी निकल सकता है? जो काम इंसान नहीं कर सकता वो काम परमेश्वर करके दिखाता है, ताकि आप समझो और जानो कि सचमुच में जीवित परमेश्वर है यहाँ पे। आमीन। जो काम इंसान नहीं कर सकता आज भी परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। आइए हम दुआ में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपने कामों को करें और आपको आशीष करें। आइए हम सब कोई खड़े होंगे अपने स्थान पे।